अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं गाइस बिल्कुल ठीक हूं, मजे में हूं। मैं बिल्कुल ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह से। और अभी फिलहाल मॉर्निंग का टाइम हो चुका है, तकरीबन टाइम हो गया मॉर्निंग का, टाइम 11:20 हो चुके हैं। हम सब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, सिर्फ हस्बैंड और हस्बैंड के बहनों के इंतजार कर रहे हैं। वो गए हुए हैं बाकी किसी काम से, तो जब वो आएंगे हम लोग जाएंगे पार्क में घूमने के लिए। अभी फिलहाल सब रेडी हो चुके हैं, तकरीबन बस हम लोगों का इंतजार हो रहा है। तो मैंने सोचा कि उन्हें थोड़ी बहुत वीडियो शूट कर लेती हूँ। कल मैंने थोड़ी बहुत वीडियो मैंने बनाई थी जब हम गए थे दरबार पे, तो फिर मम्मी मैंने वीडियो शूट नहीं की, फिर मैंने वैसे ही वीडियो एडिटिंग वगैरह कर ली। अभी फिलहाल यहाँ पे मैंने ग्लासेस लगा ली हूँ क्योंकि मेरे साथ में ना इतनी ज़्यादा शदीद दर्द हो रही है और पता नहीं क्यों। तो अभी फ़िलहाल हम सुन रहे थे सॉन्ग, तो मुझे याद आया वीडियो शूट करनी, मैं रेडी वगैरह होकर भेजी थी। तो अभी फिलहाल फिर सॉन्ग की है ऑफ और वीडियो का आगाज कर रही हूँ। तो अभी देखते हैं हम कौन सी पार्क में जा रहे हैं। लीजा मैडा सी भी जा रहे हैं, पता नहीं कौन सा, मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ पता नहीं। तो है अब हम देखेंगे जाकर किस तरह का पार्क है, फिर हम विजिट करेंगे, फिर मैं वीडियो भी शूट करूँगी। तो फिलहाल चलते नहीं, अभी फिलहाल हस्बैंड का वेट करते हैं। फिर सभी रेडी हो गए, बस हस्बैंड ही रेडी होना है, फिर हस्बैंड के बहनों ही रेडी होना, फिर हम लोग जाएंगे। तो मैंने कहा मेरा कोई ड्रेस दिखाने के लिए रेडी नहीं है, तो मैंने सोचा बैक कैमरे से मैं खुद ही दिखा देती हूँ और इस तरह का। और हस्बैंड मेरे ख्याल में आ चुके हैं और अभी फ़िलहाल रेडी हो रहे हैं, तो चलते हैं वहाँ पे देखें। हस्बैंड खैर वो गुजर चुके हैं, तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड का ना कपड़े भी आयरन करके यहाँ पर रख दिए, बस जैसे ही हस्बैंड आएँगे वहाँ पर देखें, तो कुछ काम कर रहे हैं तो इसलिए। तो यहाँ पर देखें हम तो बिल्कुल रेडी हो गए, पता नहीं बैक कैमरे से ना सही से ना इसका रिजल्ट नहीं आ रहा क्योंकि कमरे में इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं अंधेरी है, तो इसलिए मैंने कहा फ्रंट कैमरे से ही वीडियोस बनाती हूँ, फ्रंट कैमरे से ना वीडियो अच्छी बन रही है। तो अभी फिलहाल हस्बैंड आ तो चुके हैं, उनको कपड़े देते हैं, फिर ये सभी रेडी हो गए। देखिए अब बिल्कुल ठीक हो, चलो जी फ्रेंड्स अभी फिलहाल हम लोग जाने लगे और रस्ते में बैठ गए सभी छुट्टे वाटे जहाँ पर इतने ज़बरदस्त लगे थे। तो जी फ्रेंड्स हम काफ़ी सफर तय कर चुके हैं और यहाँ से खूबसूरती चेक करें, कितनी प्यारा है खूबसूरती यहाँ पर। और दो बच्ची खांसी हैं और बहुत ज़्यादा धूप है। यादगार कहाँ पे है? छोटा यादगार कोठी वेंदे पे या तैयार होंदे पईए बिच साडे सारी फैमिली रहेगी उते निकले निशान। चलो खैर है कुड़ी है ना,
अच्छा तुसी रख लो या फिर मां लवे तुसी ऑर्डर भाई 6 बर्गर 6 बोतलां आ कुर्सी दे हाल दो ले आके ओए काके ओ उधर किड्डी खुली जगह वा है हां उधर हम लोगों ने काफी इंजॉय किया और काफी पिक्स वगैरह भी हम लोगों ने ली है और एक और जगह पर जा रहे हैं जगह पर जा रहे हैं जी फ्रेंड्स अभी हम लोग जाने लगे हैं वापस घर और पार्क से आ गए और नाश्ता वगैरह खाना वगैरह हमने खाया फिर उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर 3:30 का टाइम हो चुका है तो फिर ज़्यादा मैंने वीडियो शूट नहीं की तब हम जा रहे हैं घर वापस बस एक रात के लिए आए थे अभी वापस गाड़ी आ गई थी ये वैसे की वैसा ये एरिया बिल्कुल चेंज ही नहीं हुआ आबादी वगैरह थोड़ी बढ़ गई है पर उसी तरह के कच्चे कच्चे मकान जी फ्रेंड्स हम लोग घर पहुँचाए और अभी आधा घंटा हो चुका है हम लोग घर को आए हुए और इतना ज़्यादा था कि तकरीबन 6:30 हो चुके तो हम लोग घर पहुँच गए होना तो ही पानी वगैरह पिया तो इतना ज़्यादा थक गया ना तो हस्बैंड तो वहाँ पे मज़े से लेट गया थी तो मेरे ये दोनों कंधे इतने ज़्यादा दुख रहे हैं इतना ज़्यादा दुख रहे हैं अभी फिलहाल खाना खाएँगे फिर देखते बाकी क्या करना और मैंने इतना सांस चढ़ गया और इतना ज़्यादा थकावट हो गई क्योंकि एक रात के लिए हम लोग गए थे सिर्फ आना जाने के लिए गए थे तो इसलिए कुछ ज़्यादा ही ना थक सके मेरी आंखों में ना नींद भरी हुई सुबह क्योंकि मैं जल्दी सो गई थी और हम लोग ना रात को काफ़ी ज़्यादा लेट सोए थे तकरीबन 1:30 रात को हम लोग सोए थे गपशप करते रहे और बातें शातें इतनी ढेर सारी की थी इस वजह से फिलहाल अम्मी गई थी दूध लाने के लिए सालन अम्मी ने ऑलरेडी पका कर रख दिए तो खाना देखती थी क्या बनाते तो वो ज़्यादा था कि और काफ़ी मज़ा आया मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी हस्बैंड की सिस्टर के पास जब से शादी हुई तो बहुत मज़ा जी फ्रेंड्स अब हम लोगों ने अपनी सड़क क्रॉस कर ली है जिस साल से हम लोगों ने जाना है क्योंकि एक्सीडेंट हुआ था आगे तो हमें ना फिर वापस जाना पड़ा तो इतनी ज़्यादा वहाँ पे पुलिस थी और एम्बुलेंस थी तो इसीलिए अभी भी वो गाड़ी जा रही है तो यहाँ पे हमारा स्टॉप भी आने वाला है तो मैंने सोचा चलो थोड़ी बहुत अब वीडियोज़ बना लेते हैं तो मौसम इतना अच्छा बन गया बदल वगैरह हो गए धूप वगैरह बिल्कुल
गायब हो गई है। अभी फिलहाल मुझे ना हमें मोहल्ले का ना नाम भूल गया कि मतलब के स्टॉप का क्या नाम था, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है। तो हवा इतनी तेज़ चल रही है, मैं क्या करें। तो ये स्टॉप था जब हम लोग रह कर गए थे, तो ये सीधी सड़क जाती है, अभी भी वैसा का वैसा ही है 6 साल बाद भी। तब भी सड़कें कच्ची थी और आज भी वैसी वैसी सड़कें। ये अभी की वैसे की वैसा ये एरिया बिल्कुल चेंज ही नहीं हुआ। आबादी वगैरह भी थोड़ी बढ़ गई है पर उसी तरह के कच्चे कच्चे मकान। लगी हूँ चावल क्योंकि अम्मी ने बनाई हुई है दाल, तो मैंने सोचा ये एक गिलास ना चावलों का मैं निकाल लेती हूँ और चावल बना लेगी हूँ। एक भर के बना लेंगे ना, हस्बैंड चावल नहीं खाते तो उनके लिए हम बना लेंगे। रोटी वगैरह आटा अम्मी ने गूंथ दिया था हमारे आने से पहले। ना चावल ना हमें कह रही थी एक गिलास कम है, तो इसलिए ना फिर ये 2 गिलास ले लिए। तो यहाँ पे मैंने नारी पानी डाली है, तो अब नारी पानी से ही चावल अच्छे से ना वॉश करेंगे। तो मैं कह रही थी नारी पानी से ना अच्छे से चावल पकते हैं, तो मैंने कहा चलो इसे फिर ना वॉश कर लेती हूँ। ये इतने साफ है, इसको साफ करना ही पड़ता, ऐसे अच्छे से वॉश कर लो तो चावल साफ हो गए। तो यहाँ पे हमारा खाना बिल्कुल रेडी हो गया, यहाँ पे हस्बैंड खा रहे हैं चिकन के साथ, तो यहाँ पे हम लोगों ने चावल और दाल।